भारत के साइंटिस्ट ने एक ऐसी दिक्कत का हल ढूंढ निकाला है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे डेवलप्ड देश तक परेशान थे। भारतीय साइंटिस्ट इस सुपर मटेरियल को भारत में पेटेंट भी करवा चुके हैं और इस मटेरियल को दुनिया के लिए भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। आपने कई बार तेल से लदे जहाजों के डूबने की खबर सुनी होगी जिसकी वजह से तेल पूरे समुद्र में फैल जाता है और फिलहाल इस तेल को साफ करने का कोई असरदार तरीका किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। जो भी तरीके फिलहाल मौजूद हैं उसमें या तो पानी की सतह के ऊपर मौजूद तेल को जला दिया जाता है या फिर केमिकल से इस फैले हुए तेल को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दिया जाता है। मतलब दोनों ही तरीकों में तेल समुद्र में ही रह जाता है। कई सालों के बाद भी जो तरीका दुनिया का कोई देश नहीं ढूंढ पाया वो काम भारत ने कर दिखाया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने एक सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन को डेवलप कर लिया है। ये मटेरियल सुपर क्यों है इसका रीजन सुनते ही आप चौंक जाएंगे। भारत में डेवलप्ड इस कॉटन का 1 ग्राम 1.5 किलो ऑयल को सोख सकता है। यही नहीं, इस सुपर कॉटन द्वारा सोखे गए तेल को आसानी से रिकवर भी किया जा सकता है। पूरे विश्व में अभी तक ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो एक साथ दो काम कर सके, मतलब पहले तेल को सोख ले और फिर उस तेल को रिकवर भी कर ले। हमारा रिकवर करने से मतलब ये है कि जब इस सुपर एब्जॉर्बेंट में तेल इकट्ठा हो जाता है तब इस मटेरियल को कंप्रेस करके या केवल दबा के सोखे गए तेल को फिर से निकाल के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है। इस सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन को डेवलप किया है बार के साइंटिस्ट सुधेंदु रे चौधरी जी ने। ये सुपर कॉटन बायोडिग्रेडेबल है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कमाल की बात यह है कि इस मटेरियल को 50 से 100 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। केवल पेट्रोलियम ही नहीं बल्कि ये मटेरियल महासागरों की सतह से कई टॉक्सिक पदार्थों को सोखने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल भारत की नदियों के कुछ खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट को हटाने के लिए भी किया जा सकता है जो भारत की नदियों को दूषित करते हैं। बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्यूटाइल फोस्फेट और ट्राइफिनाइल फोस्फेट ऐसे केमिकल्स हैं जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज नदियों में डाल रही हैं और फिलहाल अभी भारत के अलावा किसी भी देश के पास इन्हें हटाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। इन पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए फिलहाल जितने भी कन्वेंशनल तरीके मौजूद हैं उन सभी तरीकों में कुछ न कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर भारत द्वारा इजाद इस तरीके में न केवल पॉल्यूशन को रोका जाता है बल्कि सतह पे फैले हुए पदार्थ को फिर से इस्तेमाल में लाया भी जा सकता है। कमाल की बात ये है कि सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन को बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्निक्स भी डेवलप की जा चुकी हैं। भारत में डेवलप्ड इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय कंपनीज ऑयल साफ करने के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को भारतीय पेटेंट मिल चुका है और इसको मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी एक भारतीय कंपनी को दी जा चुकी है। भारतीय साइंटिस्ट के इनोवेशन को धन्यवाद देने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।